वेलकम टू द आशिमा शो। दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके यूएस आने वाले सभी इमिग्रेंट वीजा होल्डर्स पर 2 महीने के लिए बैन लगा दिया। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने काफी सारी कंफ्यूजन्स पैदा कर दी है कि किस किस वीजा कैटेगरी टाइप पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें कई बार क्लियर पता नहीं लगता कि इसका H1 वीजा, B1 वीजा, L1 वीजा, स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट या विजिटर वीजा और फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड जैसे वीजा पे क्या क्या असर पड़ेगा। साथ ही क्या इसका असर उन लोगों पर भी पड़ेगा जिनका वर्क वीजा रिन्यूअल के लिए गया हुआ है। अगर आप या फिर आपका कोई जानकार या रिलेटिव यूएस आने की सोच रहे हैं तो कौन से वीजा लेके आप कितने टाइम तक अमेरिका आ सकते हैं, इस वीडियो में बताऊंगी ये सब। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। एक हफ्ते पहले भी मैंने इसी टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, आप वो वीडियो भी जरूर देखिए, हो सकता है आपके काफी सवालों का आंसर उस वीडियो में आपको मिल जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक रिक्वेस्ट दोस्तों, आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट द आशिमा शो पर भी जुड़ सकते हैं। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को समझने के लिए पहले इससे जुड़ी कुछ टर्म समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमिग्रेशन की। ये वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक देश का नागरिक दूसरे देश में जाता है। दूसरे देश में जाने के कारण अनेक हो सकते हैं, जैसे स्टडी करने, बिजनेस रिलेटेड वर्क, काम या रोजगार करने के लिए, एज अ टूरिस्ट, घूमने के लिए, किसी अपने चहेते से मिलने के लिए आदि आदि। इसके तहत हर देश की अपनी एक इमिग्रेशन पॉलिसी होती है जो लोगों को उनके पर्पस के हिसाब से अलग अलग वीजा इशू करती है। अमेरिका मोटे तौर पे 2 तरह के वीजा देता है, इमिग्रेंट वीजा एंड नॉन इमिग्रेंट वीजा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका ऐसे ही कोई वीजा इशू नहीं करता। हर वीजा कैटेगरी की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, सभी रिस्पेक्टिव क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने के बाद ही वीजा इशू किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन इमिग्रेंट वीजा की। इसको टेम्परेरी वीजा भी कहा जाता है, मतलब ये वीजा उन लोगों को दिया जाता है जिनका अमेरिका में शॉर्ट टाइम के लिए काम होता है, मोस्टली वर्क वीजा जैसे H1B, L1, L2 इसी कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई यूएसए में स्टडी करने के लिए आना चाहता है तो उसका F1 वीजा भी टेम्परेरी वीजा ही होता है। टूरिस्ट या फिर विजिटर्स वीजा, डिप्लोमेट वीजा, सभी टेम्परेरी वीजा होते हैं। अब बात करते हैं इमिग्रेंट वीजा की। इमिग्रेंट वीजा उन लोगों को इशू किया जाता है जो अमेरिका में स्थायी रूप से रहने या काम करना चाहते हैं। आपने ग्रीन कार्ड तो सुना ही होगा, जिसको परमानेंट रेजिडेंट कार्ड भी कहते हैं, वो इसी कैटेगरी में आता है। ग्रीन कार्ड की भी कई सारी कैटेगरीज हैं, जैसे फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड एक्सेट्रा। ग्रीन कार्ड होल्डर्स जब तक चाहे अमेरिका में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ अब आपको ऊपरी तौर पर इमिग्रेंट एंड नॉन इमिग्रेंट वीजा में डिफरेंस पता लग गया होगा। अब आते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा साइन किए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर। ट्रंप के अकॉर्डिंग इस ऑर्डर का मकसद कोरोना वायरस से हुए करोड़ों बेरोजगार अमरीकी लोगों को अमेरिका में जॉब के अवसर देना है। अमेरिका की बेरोजगारी की बात की जाए तो अप्रैल के महीने तक लगभग 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस के लिए अप्लाई किया था। ये अमेरिका की हिस्ट्री की अभी तक की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। इस ऑर्डर के तहत 23 अप्रैल से 60 दिनों के लिए यूएस के सभी कॉन्सुलेट्स पे इमिग्रेंट वीजा इशू करने पे बैन लगा दिया। इमिग्रेंट वीजा शब्द पर गौर करें यानी कि ग्रीन कार्ड पे, और इस ऑर्डर से वो लोग अफेक्टेड होंगे जो अभी यूएसए से बाहर हैं और ग्रीन कार्ड की वेट कर रहे हैं। फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड वाले लोग भी अफेक्टेड होंगे, हालांकि इसमें कुछ एक्सेम्पशंस हैं, जैसे कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो मेनली COVID-19 की रोकथाम के लिए रिसर्च करना चाहते हैं। इसके अलावा फैमिली मेंबर्स ऑफ द मिलिट्री जैसे इमिग्रेंट वीजा होल्डर्स की एंट्री पे बैन नहीं होगा। आपको दोबारा से क्लियर वर्ड्स में बता दूं कि इस ऑर्डर से नॉन इमिग्रेंट वीजा कैटेगरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर आप किसी भी टाइप के वर्क वीजा, टूरिस्ट या विजिटर वीजा, स्टूडेंट वीजा जैसे टेम्परेरी वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उनपे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, अभी पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए यूएस ने 18 मार्च से सभी देशों में कॉन्सुलेट्स बंद किए हुए हैं। अच्छी खबर ये है कि एज पर द यूएस CIS ऑफिस June 4 से ऑफिसेज खुलने की तैयारी हो रही है। तो जिनके भी वीजा स्टैंपिंग, इंटरव्यू रिलेटेड या RFE अपॉइंटमेंट्स पोस्टपोन हुई हैं, वो रीशेड्यूल करवाना ना भूलें। जिन्होंने भी एप्लीकेशन या पिटीशन फाइल की हुई हैं, USCIS उनको मेल करके भी सूचना देगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार लाखों वर्क वीजा होल्डर्स जो मेनली H1 वीजा पे हैं,
उनको अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। जैसा मैंने बताया, अमेरिका में इस वक्त बेरोजगारी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है और इसमें जॉब गंवाने वाले बस अमेरिकन नागरिक नहीं है, लाखों टेम्पररी वर्कर्स भी हैं। मंदी के चलते सभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस वक्त फ्रीज्ड है, मतलब उनको अभी नई जॉब नहीं मिल रही है। एज पर द H1B रूल, एक टेम्पररी वर्कर को 2 महीने में नई जॉब ढूंढनी होती है, नहीं तो वीजा स्टेटस इनवैलिड हो जाता है और ऐसे में लोगों को अमेरिका छोड़ के जाना पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबी ना खींचते हुए आराम दे, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो, कोई कंफ्यूजन दूर हुई हो, तो लाइक करने में कंजूसी मत करना और चैनल सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।